मिडिल क्लास फैमिली के लिए सबसे अफोर्डेबल कोचिंग यही है पटना में, IIT JEE नीट सबके लिए। मेरे भैया यहाँ मेंटर से पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो उनका बहुत अच्छा रहा कि हाँ यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं 1 ईयर प्रोग्राम में, और टीचर्स लोग भी काफ़ी अच्छे हैं, सारा चीज़ डॉट क्लियर होता है, उसके बाद डॉट क्लासेस भी लगते हैं, तो आई एम सेटिस्फाई विथ मेंटर्स। यहाँ पर आने वाले सभी स्टूडेंट्स अधिकतर एक अच्छे स्तर के होते हैं, और जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं वो भी यहाँ आके एक अच्छे स्तर पर जा सकते हैं। माहौल है पढ़ने लायक, जो बच्चा पढ़ने के लिए आता है वो पढ़ ही लेगा। जो इट्स अ गुड इंस्टीट्यूट फॉर IIT प्रिपरेशन। हाय एवरीवन, वेलकम टू करियर फिनोलॉजी यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग आ चुके हैं मेंटर सैडू सर के बोरिंग रोड वाले सेंटर पे। यहाँ पे JEE का क्लास चल रहा है और क्लासरूम में बच्चे हैं, और आप लोग देख सकते हैं क्लासरूम में क्या कुछ माहौल होने वाला है। तो कैसे हैं आप लोग, बैठ जाइए। कैसा लग रहा है भाई अभी मेंटर्स ज्वाइन करके आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। कब ज्वाइन किए थे आप? मई में। यस। कौन सा ईयर में? इसी साल में। यस सर। जिस सोच के साथ आप आए हैं क्या वो फुलफिल हो रहा है? एकदम पक्का। यस। अच्छा भाई, जैसे कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है यहाँ पे, आपने मेंटर्स ही क्यों ज्वाइन किया? जी मैंने कॉलेज, वो है ना, एक दोस्त यहाँ पे पढ़ता था, उससे मैंने उसे काफ़ी इसके बारे में सुना था, वो इसकी तारीफ़ कर रहा था कि यहाँ ऐसे पढ़ाई होता है, वैसे पढ़ाई होता है, उसके बारे में काफ़ी इसे डिटेल्स लिया। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि ना यहीं पे पढ़ना है, और JEE के लिए स्पेशल मतलब यहाँ पे मैंने आया हुआ है। क्या कुछ खास चीज़ें हैं जो हमारे व्यूअर्स हैं नहीं जानते हैं मेंटर्स में, क्या कुछ माहौल मिल रहा है, फैकल्टी कितने एक्सपीरियंस्ड है, तो आप क्या बताना चाहते हैं? फैकल्टी अच्छे हैं सर, अच्छा डाउट सब क्लियर हो जाता है, ठीक है, और मतलब क्वेश्चन भी मतलब सब सॉल्व कराते हैं, ठीक है। डाउट के लिए क्या कुछ खास है भाई यहाँ पे? डॉट क्लास स्पेशल बना हुआ ही है, आप कभी भी शाम में बैच खत्म होने के बाद भी जाके शाम में ले सकते हैं डॉट, या फिर क्लास चल रहा है, क्लास ख़त्म होने के बाद सर निकलते हैं, उससे भी जाके पूछ सकते हैं। मेंटर्स में आके पढ़ना ठीक है, मतलब माहौल है पढ़ने लायक, जो बच्चा पढ़ने के लिए आता है वो पढ़ ही लेगा, जो नहीं पढ़ने के लिए है वो कहीं भी जा सकता है, ठीक है। भाई यहाँ पे टेस्ट सीरीज कैसे होती है? हाँ, टेस्ट सीरीज गुड लेवल पे होती है, बैठ जाइए। इनफैक्ट इस संडे को JEE एडवांस पैटर्न का टेस्ट हो रहा है, ठीक है, तो टेस्ट सीरीज का लेवल मेंटर्स का ठीक है। तो ओवरऑल आप बताना क्या चाहते हैं मेंटर्स के बारे में? इट्स अ गुड इंस्टीट्यूट फॉर IIT प्रिपरेशन। ओके। स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयर फॉर IIT दे आर कम हियर एंड जॉइन मेंटर्स। ओके, आप क्या कुछ बताना चाहते हैं भाई मेंटर्स के बारे में? ग्रेट फैसिलिटीज प्रोवाइड, ऑल टीचर आर वेरी वेल, ठीक है, एंड सर ऑल क्लास में प्रोग्राम हैव वेल डिफाइंड टीचर्स, और सर वीकली हैव टेकन एग्जामिनेशन टू प्रिपेयर हाउ स्टूडेंट आर प्रिपेयर फॉर द एग्जाम्स, एंड डाउट क्लासेस हैव बीन ऑलरेडी टेकन। ओके, थैंक यू। बोरिंग रोड में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है, आपने मेंटर्स ज्वाइन किया, व्हाई? बिकॉज मेंटर्स का सारा फैसिलिटी बहुत अच्छा है, और हम बहुत सारे से मतलब रिव्यू भी लिए थे, गूगल्स किए थे, मेरे भैया यहाँ मेंटर्स से पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो उनका बहुत अच्छा रहा कि हाँ यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं 1 ईयर प्रोग्राम में, और टीचर्स लोग भी काफ़ी अच्छे हैं, सारा चीज़ डॉट क्लियर होता है, उसके बाद डॉट क्लासेस भी लगते हैं, तो आई एम सेटिस्फाई विथ मेंटर्स। ठीक है, आप क्या कुछ बताना चाहती हैं मेंटर्स के बारे में? मेंटर्स IIT JEE के लिए बहुत बेस्ट कोचिंग है पटना में, और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये कोचिंग में पढ़ना, बिकॉज फैसिलिटी है, यहाँ के फैकल्टी अच्छे हैं, ठीक है, डॉट क्लास दिए जाते हैं, डॉट क्लियर हो जाता है। टीचर कितने कोऑपरेट करते हैं आप लोगों को? जहाँ डाउट होता है हर जगह क्लियर होता है। आप क्या कुछ बताना चाहती हैं मेंटर्स के बारे में? जैसे मिडिल क्लास फैमिली के लिए सबसे अफोर्डेबल कोचिंग यही है पटना में, IIT JEE नीट सबके लिए, ठीक है, और डाउट के लिए भी अगर जो डाउट हमको क्लास में होता है टीचर से डायरेक्ट, टीचर हमसे इंटरेक्ट कर पाते हैं, वो हमको अलग से डाउट बताते हैं, ठीक है। कहाँ से फाइंड किए थे आप लोग मेंटर्स को? हम लोग मेंटर्स को फ़ोन वगैरह से देखे हैं, और फिर कुछ और कुछ स्टूडेंट्स लोग भी बहुत सारे मिले हम लोग को मेंटर्स के। आप लोग जिस सोच के साथ आए हैं हैप्पी हैं? एकदम हैप्पी हैं, बहुत हैप्पी हैं। क्या कुछ खास है यहाँ पे? सबसे पहले तो टीचर बहुत वेल एजुकेटेड एंड वेल एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है, और डाउट अच्छे से सॉल्व होता है यहाँ पे, और थ्योरी भी अच्छा एक्सप्लेन होता है, ठीक है, और अगर किसी को डाउट हो जाता है तो हर एक वीक में डाउट सेशन लगता है, ठीक है, और टेस्ट सीरीज भी सही है, 28 डेज पे उसका फ्रिक्वेंसली है, और बहुत सब अच्छे है। और कुछ चीज़ें जो भाई मैंने नहीं पूछा और आपको लगता है कि मेंटर्स ये बाकियों से अलग कर रहा है तो बताइए कुछ।
जी, यहाँ पर आने वाले सभी स्टूडेंट्स अधिकतर एक अच्छे स्तर के होते हैं, और जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं वो भी यहाँ आके एक अच्छे स्तर पर जा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग सेटिस्फाइड हैं? यस। आप सेटिस्फाइड है भाई? हाँ, सेटिस्फाइड। बच्चों को रिकमेंड करेंगे आप लोग यहाँ पे आने को? यस सर। यस सर। पक्का? यस सर। ओके, थैंक यू। बात करते हैं अभिषेक सर से, और अभिषेक सर आज दिखाने वाले कैंपस टूर, तो आप लोग हमारे इस वीडियो में बने रहे, देखिए हमारा ये पूरा वीडियो। चलिए हम आपको टूर करवाते हैं मेंटस एडुसर्व की। आज जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमारा वेटिंग एरिया है। यहाँ पे पेरेंट्स जब भी आते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे बैठते हैं, उसके बाद ये हमारा फ्रंट डेस्क है। अगर फ्रंट डेस्क की बात करें तो ये हमारा, यहाँ पे हम जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर्म फिल करवाते हैं स्टूडेंट से, जो कि वॉक इन के थ्रू इंक्वायरी लेने आते हैं। जब भी स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे, तो एक पर्टिकुलर स्टूडेंट कोर्स के लिए आते हैं, पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के एडमिशन्स के लिए आते हैं, तो उनको हमें पर्टिकुलर काउंसलर से मिलवाना पड़ता है। चलिए आपको हम जनरल काउंसलिंग केबिन दिखाते हैं। जैसे कि ये हमारा जनरल काउंसलिंग केबिन है, यहाँ पे जनरल काउंसलिंग चल रही है। एरम मैम हमारी काउंसलर है, जो सारे स्टूडेंट को एक एक डिटेल्स के साथ समझा रही है, ताकि स्टूडेंट को कोई भी कंफ्यूजन किसी चीज़ फ़ी के रिगार्डिंग हो, या किसी क्लास के रिगार्डिंग हो, बैचेस के रिगार्डिंग हो, उनको कभी भी इस चीज़ के बारे में कंफ्यूजन ना हो। देखिए, आपके कोर्स को यही कहते हैं। चलिए आप मिलवाते हैं हम आपको सीनियर काउंसलर से भी। चलिए आप मिलते हैं फिर। जब भी ऐसे एडमिशन प्रोसेस ख़त्म हो जाता है, तो एक फॉर्म फिलअप होता है स्टूडेंट का, एडमिशन फॉर्म। वो एडमिशन फॉर्म जैसे ही फिलअप करके सर ने प्रोसेस करवा दिया, तब हम वो फॉर्म को लेकर ऊपर लेके एडमिशन डिपार्टमेंट के पास जाते हैं। चलिए हम आपको एडमिशन डिपार्टमेंट से मिलवाते हैं। ये हमारे रिजल्ट्स को लेकर आप भी देख सकते हैं, मेंटर्स हमेशा से रिजल्ट्स ओरिएंटेड रहा है और रिजल्ट ओरिएंटेड रहेगा, और इसकी साफ तौर पे हमेशा से रिजल्ट्स हम हर बच्चे की, बच्चे इस चीज़ को बेनिफिट समझते हैं, और मेंटर्स अपॉर्चुनिटी देते हैं हर स्टूडेंट को ग्रो अप करने के लिए रिजल्ट्स बेनिफिट के साथ। हम हर साल के रिजल्ट्स जब आते हैं हम पब्लिश करते रहते हैं, ताकि स्टूडेंट्स भी इससे मोटिवेट हो सके और मैक्सिमम बेनिफिट ले सके, कि अदर स्टूडेंट कर सकता है तो हम क्यों नहीं। और मेंटर्स वो हर एक अपॉर्चुनिटी हर गरीब से बच्चे से लेके अमीर बच्चे तक को देता है। और जहाँ तक हम देख सकते हैं, ये हमारा ऊपर वाला फ्लोर है, जहाँ पे एडमिशन प्रोसेस की आगे की प्रोसेसिंग होती है। बात करें हमारे, जैसे हमारा नीचे फ्रंट डेस्क था, यहाँ पे भी हमारा एक फ्रंट डेस्क है। यहाँ पे बच्चे जब भी फॉर्म फिलअप होता है प्रोसेस के लिए आते हैं, तो इस रजिस्टर में मेंटेन होता है। इस रजिस्टर में बच्चे का सारा डिटेल मेंटेन किया जाता है, उसके बाद उनको वन बाय वन फॉरवर्ड किया जाता है हमारे एडमिशन डिपार्टमेंट को। ये रहा हमारा एडमिशन डिपार्टमेंट का केबिन। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, एडमिशन्स एक की प्रोसेस चल रही है ऑलरेडी, और मैम इसका प्रोसेस करवा रही है। यहाँ से एडमिशन्स होने के बाद बच्चे को बैग और पैकेजेस दिए जाते हैं, बिकॉज मेंटर्स हमेशा से फ्रॉम द फर्स्ट डे टू एंड डे जो भी पढ़ाया जाता है, एक पर्टिकुलर कोर्स पैकेज डिज़ाइन किया जाता है, जिसपे मेंटर्स उसी पैकेज के थ्रू हर बच्चे को एक डिटेल्स से ओरिएंटेड स्टडी प्रोसेस प्रोवाइड करता है। और जब भी हमारा लास्ट एडमिशन प्रोसेस है अकाउंट्स में जब लास्ट पेमेंट होता है, बच्चे का एक रिसिप्ट निकलता है, उसके बाद हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। बहुत छोटा सा प्रोसेस है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। अगर हम बात करें तो एडमिशन्स, अगर बच्चे को क्वेरी किसी चीज़ की भी रिगार्डिंग होती है, हमने हर बेस्ट काउंसलर्स को बैठा रखा है, ताकि वो मैक्सिमम क्वेरी स्टूडेंट को डील कर सके। थैंक यू सो मच। जैसा कि आप लोगों ने देखा, अभिषेक सर ने अभी यहाँ के मेंटर्स एडुसर्व के बोई रोड वाले सेंटर पे अभी टूर दिए, और हम इनसे जानते हैं
कि मेंटस एडुसर्व बाकी इंस्टीट्यूट से क्या कुछ खास करता है। अदर इंस्टीट्यूट से बात करें मेंटस एडुसर्व की, मेंटस एडुसर्व हमेशा से रिजल्ट ओरिएंटेड रहा है, हमेशा से टॉप बेस्ड क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन के लिए प्रोवाइड करने के लिए ये बेस्ट इंस्टीट्यूट रहा है ईस्टर्न इंडिया का, और ये बेस्ट रिजल्ट्स प्रोवाइड करने के लिए हमेशा आगे रहा है। ये स्टूडेंट को नर्चर करने के लिए स्पेशल फैसिलिटीज तक दी जाती है, इनफैक्ट स्टेट रैंकर्स हमारे अचीवर कैंपस में भी पढ़ रहे हैं विद फ्री एजुकेशन एंड फ्री हॉस्टल फैसिलिटीज ऑल्सो। एंड कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स हमेशा अपना बेस्ट देते हैं और हम अपना बेस्ट देते हैं, ताकि अगर दोनों तरीके से बेस्ट दिया जा सके तो रिजल्ट अप्रोक्सीमेटली मैक्सिमम रिजल्ट हम प्रोवाइड करेंगे हर बच्चे को। और हर बच्चा इस यहाँ से अगर कोर्स ट्रैकिंग टीम की बात करें, अगर कोर्स ट्रैक अगर एक छोटा से पार्ट मेंटर्स की बात करें तो कोर्स ट्रैकिंग टीम है हमारा, तो वो कोर्स ट्रैकिंग टाइम टू टाइम कंप्लीट करने के लिए एक प्रॉपर ये चेन के तरह चलता है, ताकि मैनेजमेंट प्रॉपर इफेक्टिव वे में रन कर सके और अपना बेस्ट दे सके। हम हमेशा रिजल्ट ओरिएंटेड रहे भी हैं और रहेंगे भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग करियर फिलोलॉजी।